हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बियर क्राफ्टिंग। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुर्ता सेट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो जैसा कि फ्रेंड्स बहुत ट्रेंड में है कुर्ता सेट पहनना, और ऑनलाइन आप देख ही सकते हैं मैचिंग फैब्रिक की कुर्ती और पैंट सेट हमें मिल रहा है। तो आज हम इसे घर पे बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने लिया है 3.5 मीटर रेयन का फैब्रिक, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ये फैब्रिक है, इसको हमने उल्टे साइड से फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड। तो पहले हम अपनी मार्किंग करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, उसके बाद में आपको स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, डबल फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। लेंथ है हमारा 44 इंचेस, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा एड करेंगे सिलाई के लिए, तो हम ले लेंगे 45.5 इंच। तो पहले एक लेंथ का निशान आप लगा लें, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक। तो यहाँ नीचे हमने लेंथ का निशान लगा लिया। अब शोल्डर की तरफ से हम निशान लगाएंगे। शोल्डर है हमारा 14 इंच, 14 का हम हाफ रखेंगे। यहाँ हम 7 पॉइंट पे पहले एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम लेंगे आर्म होल 6.5 इंच, चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो पहले यहाँ एक सीधी लाइन खींच लेंगे, यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारा 8.5 इंच, तो पहले 8.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखिए अब शोल्डर से नीचे हम वेस्ट का निशान लगाएंगे 15 इंच पे, और हिप का निशान लगाएंगे हम 22 इंच पे। तो पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे। वेस्ट है हमारा 8 इंच, तो 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, और हिप है हमारा 9 इंच, एक इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ हमने 10 इंच ही कपड़ा लिया है, ज्यादा नहीं लिया है फोल्ड करने के लिए। तो इस निशान को हम सीधे जो हमारा लेंथ है उस निशान से मिला लेंगे, और इन तीन निशानों को इस तरीके से हम आपस में मिला लेंगे। ऊपर की तरफ यहाँ आर्महोल का हम शेप देंगे। अब गले की तरफ से हम निशान लगाएंगे। गले की तरफ से हम लेंगे 3 इंच, और देखिए ये बैक पार्ट का गला है, तो इसकी गहराई हम रखेंगे 5 इंच। इसको हम राउंड शेप देंगे। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी कटिंग हो गई है, और यहाँ हिप के पास हम एक नॉच लगा लेंगे। तो अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे हम दो पीस में कट करने वाले। पहले ऊपर की चोली निकालेंगे, उसके बाद नीचे का लेंथ निकालेंगे। तो चलिए पहले हम चोली की मार्किंग कर लेते हैं। तो जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की, सेम वैसे ही करनी है। पहले हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, और यहाँ हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब देखिए गले की तरफ से हम निशान लगाएंगे। गले की तरफ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसकी गहराई हम रखेंगे 6.5 इंच, और इसे भी हम राउंड शेप कर लेंगे। अब देखिए चोली की जो लेंथ है वो है 13 इंच, यहाँ हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की तरफ सिलाई लगाने के लिए। अब इसकी एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जैसे हमने बैक पार्ट में चेस्ट लिया है 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कपड़ा भी हमारा इतना ही है, और इसको सीधी लाइन खींच देंगे नीचे की तरफ। यहाँ एक हम टक्स लगाएंगे 3.5 इंच पे, और इधर से हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमारी चोली की मार्किंग हो गई है, इसे अब हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा चोली है, और इसको हमने अलग से कट किया है। यहाँ पे 1 इंच की टक्स लगाने के लिए हम निशान बना लिया है। तो पहले इसको हम पिनअप कर लेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए नीचे की तरफ जो हम अपना घेर कट करेंगे उसमें यहाँ पे प्लीट्स डालना है, तो हमें ज्यादा कपड़ों की जरूरत है दूसरे वाले पीस में। तो
तो हमने यहाँ 14 इंच पे निशान लगाया है, यानी कि चोली से 4 इंच ज्यादा हमने कपड़े को फोल्ड किया है। यहाँ हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके पहले लेंथ पे निशान लगा लेंगे, तो हाफ इंच यहाँ ऐसे रख के हमें काटना है, जो कि हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो देखिए चोली की लेंथ है 13.5 इंच और हमें पूरी लेंथ चाहिए 45 इंच की। तो इस तरीके से चोली को कपड़े के ऊपर रखकर मैं यहाँ पे 45 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस निशान को सीधी लाइन में खींच लेंगे और इसे हम सीधा सीधा कट कर लेंगे, नीचे की तरफ से और यहाँ साइड की तरफ से। अब हम अपने पैंट की कटिंग करेंगे, तो हम प्लाजो स्टाइल में इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, तो देखिए यहाँ भी हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। लेंथ है हमारी 37 इंचेस, तो नीचे हम 1 इंच फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ 1.5 इंच बेल्ट में हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ अलग से हम बेल्ट अटैच नहीं करेंगे, साथ में ही करेंगे। तो 39.5 इंच पे पहले हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। अब नीचे की तरफ से मार्किंग करेंगे, तो नीचे जो मोरी है उसकी चौड़ाई हम रखेंगे 10 इंच। देखिए वेस्ट की तरफ से हम निशान लगाएंगे अपने ये क्रॉच एरिया का, तो इसकी लेंथ हम लेंगे 14 इंच, जिसमें कि 1.5 इंच हमारा चला जाएगा बेल्ट में, तो ये 12.5 इंच पे आ जाएगा। तो पहले एक यहाँ पे सीधी लाइन खींच लिया। अब वेस्ट के पास हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और ये जो क्रॉच एरिया है उसको हमने यहाँ पे रखा है 14 इंच, ये भी हम 14 इंच लेंगे और इतने पे ही हमने अपने कपड़े को फोल्ड किया है। तो यहां से लेके यहां तक ऐसे हल्का सा राउंड शेप में हम निशान लगा लेंगे। अब देखिए जो हमने नीचे की तरफ 10 इंच पे निशान लगाया है, इसको भी यहां से लेके यहां तक हल्का सा ऐसे राउंड शेप देंगे। तो ये हो गई हमारी पैंट की मार्किंग। यहां से हम कट करके पूरे यहां तक और फिर ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ये भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए पैंट की कटिंग हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग लगाएंगे। सबसे पहले मोहे को हम डबल फोल्ड करके फिनिश कर लेंगे। अब ये जो हमारा क्रॉच एरिया है इसकी हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले क्रॉच एरिया को इस तरीके से हम दोनों पीस में एक साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्रॉच एरिया की सिलाई लगा ली है और नीचे मोहरी की भी फिनिशिंग कर ली है। अब नीचे की तरफ यहां से लेके पूरे राउंड में यहां तक हम एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ 1 इंच की बेल्ट अटैच करनी है। तो यहाँ हमने देखिए 3 इंच जितना चौड़ा स्ट्रेट पट्टी कट कर लिया है और इसको पूरे राउंड में हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पैंट बनकर तैयार है। ऊपर की तरफ हमने बेल्ट अटैच कर लिया और यहाँ पे इलास्टिक डाल दी है। तो इस तरीके से हमने अपना पैंट तैयार कर लिया है। अब हम ऊपर का कुर्ता तैयार करेंगे, तो चलिए स्टिचिंग लगाते हैं कुर्ते की। तो देखिए पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग लगाएंगे। तो जो हमने चोली कट की है फ्रंट पार्ट में, तो देखिए यहाँ पे पहले हम टक्स लगा लेंगे 2, उसके बाद यहाँ से कट करके कपड़े को अलग कर लेंगे। हमने दोनों पीस को अलग कर लिया है। अब इसके फ्रंट में हम इसकी फिनिशिंग लगा देंगे स्ट्रेट पट्टी लगा के। दोनों साइड की फिनिशिंग हो गई है, टक्स भी हमने लगा लिया है। अब इसे ऐसे हम रखेंगे और यहाँ पे अटैच कर लेंगे एक सिलाई लगा करके। ऊपर वाला पीस हमारा तैयार है। अब ये जो हमने अलग से हेयर कट किया है इसके सेंटर में हमने यहाँ पे एक नॉच लगा लिया है। तो पहले सेंटर को सेंटर से मैच कर लेंगे इस तरीके से, और मैच करने के बाद आप देख सकते हैं दोनों साइड हमारा 4-4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो इसमें हम छोटे छोटे प्लीट्स डालेंगे हाफ हाफ इंच की। तो इस तरीके से प्लीट्स डाल के इसकी स्टिचिंग लगा लेंगे साइड भी और इस साइड भी। तो देखिए यहाँ पे हमने छोटे छोटे प्लीट्स दे दिए हैं और ऊपर की तरफ से फिर हमने सिलाई लगा ली है, तो ये अच्छे से बैठ गया है। तो फ्रंट पार्ट हमारा तैयार है। अब बैक पार्ट से इसे हम शोल्डर से अटैच कर लेंगे, उसके बाद एक ही साथ हम गले की सिलाई लगा लेंगे बैक और फ्रंट पार्ट की।
देखिए हमने यहाँ पे शोल्डर अटैच करके गले की फिनिशिंग लगा ली है और नीचे ही हमने प्लेकेट की भी यहाँ पे सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग कर ली है। तो अब हम दोनों साइड अपना स्लीव अटैच कर लेंगे। तो देखिए अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे, दोनों स्लीव हम एक साथ कट कर लेंगे। तो हमारी स्लीव की जो लेंथ है वो है 16 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। तो 17 इंच पे पहले निशान लगा लेंगे लेंथ का, इस साइड से 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर अंदर की तरफ से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से ऊपर की तरफ हम हल्का सा राउंड शेप देंगे। मोरी है हमारी 5.5 इंच और हाफ इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 6 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और यहां से हम फिर यहां तक तिरछा निशान लगा लेंगे। स्लीव की मोरी भी हमने यहाँ पे तैयार कर ली है सिल के। तो दोनों साइड पहले हम स्लीव अटैच कर लेंगे, उसके बाद फिटिंग के हिसाब से पूरे स्लीव से लेके 22 इंच जो हमने हिप का निशान लगाया यहाँ पे देखिए नॉच भी लगा है यहाँ तक, इसको फिटिंग के हिसाब से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम साइड की स्लिट बनाएंगे और नीचे की फिनिशिंग करेंगे। साइड की स्लिट का वीडियो मैंने डाला हुआ है अलग से, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लीज लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देखें। देखिए यहाँ पे हमने स्लीव अटैच किया, उसके बाद साइड की सिलाई लगा के नीचे की स्लीव की भी फिनिशिंग कर ली है। तो इस तरीके से हमारा कुर्ता भी बनकर तैयार है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे कुर्ता और प्लाजो सेट घर पे आप आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि हम मॉल से खरीदते हैं। तो आप भी अपने घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।